बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नुज़्ज़त रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। अभी हम बात कर रहे थे एक मिनट वीडियो में, जो मैंने पिछला टॉपिक स्टार्ट किया है कि न्यू जनरेशन का एटीट्यूड बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ। मैं यहाँ पे एक ड्रामे को थोड़ा सा साथ में रिलेट करूंगी, उसका जो थीम स्टोरी है उसको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस किया जाएगा। राज़ी उल्फत, राज़ी उल्फत में क्या दिखाया कि जो एक मिडिल क्लास जो बच्ची है वो अपने स्कूल से जब क्वालिफाइड हो जाती है तो डेफिनेटली उसे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। कॉलेज में एडमिशन के लिए पेरेंट्स रेडी नहीं होते, स्पेसिफिकली फादर रेडी नहीं होते, और जिस कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया जाता है वहाँ हाई क्लास भी होती है, और एलीट क्लास भी कह सकते हैं, हाई क्लास भी कह सकते हैं, बट एलीट क्लास वो नहीं है जो मॉडर्न है कपड़ों से, जो मॉडर्न है अपने आप को बेबाक करने से। एलीट होने का पर्पस यही है कि एलीट होना अपनी ग्रूमिंग में, अपने बिहेवियर में, बट अनफॉर्चुनेट वो फैक्टर हमारे पाकिस्तान के लोगों में शायद कम होता जा रहा है। स्टोरी यहाँ पे चल रही थी कि ये फाइनली फादर मान जाते हैं और वो बेटी कमिट करती है कि जी वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। अब एक तो ये चीज थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली दिखाई हुई है, बट उस लड़की की दोस्ती हो जाती है एक बहुत अपर क्लास लड़की से। अपर क्लास होना इट्स नॉट मीन कि वो वही बात जो मैं बात कर रही हूँ कि बिहेवियर में होना या लैंग्वेज में या आपकी ड्रेसिंग में होना, बेसिकली अपर क्लास में या एलीट क्लास होना पर्पस ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपकी उसमें मेच्योरिटी हो, बट वो गैप तो एग्जिस्ट करता है, उसको हम सेपरेट कभी डिस्कस करेंगे। यहां मैं बात कर रही हूँ कि जो बच्ची इतने दावे करके माँ बाप से जाती है कि जी मैं पढ़ूंगी और मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रहेगा, बट उसका फोकस पढ़ाई पे तो नहीं रहता, बट बाकी सब चीजों में आ जाता है। और अभी रिसेंटली जो लास्ट एपिसोड दिखाई है, उसकी लास्ट मीन्स जो अभी लास्ट वीक जो एपिसोड चली है, उसमें बहुत गलत जो रिमार्क्स थे उस बच्ची के कि उसको वहां कोई लड़का पसंद आता है, उस लड़के के लिए वो अपने बाप से कहती है कि बाप का मेरे पे कोई हक नहीं है, आप सारा हक आपका खत्म हो चुके, अब मेरे ऊपर जो हक है वो इर्तजा है, इर्तजा वो लड़का जिसको वो पसंद करती है। यहाँ मेरा सब माँ बाप से ये सवाल है कि क्या इसकी रीजंस क्या हैं, जो मैं जैसा मैंने वन मिनट वीडियो में बात की थी कि हम इन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके रीजंस, इसके कॉज ढूंढेंगे, ना कि बच्चों को ब्लेम करें, ना कि पेरेंट्स को ब्लेम करें, इसकी कॉमन कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके आगे फिर हम उसमें चलेंगे। पहली बात क्या कि पेरेंट्स फ्रेंडली नहीं उस बच्ची के साथ, माँ बाप फ्रेंडली नहीं थे, और डेफिनेटली उसके फ्रेंडली ना होने का फायदा सराउंडिंग के लोगों ने लिया। ये बहुत फेक बात है कि जब पेरेंट्स, जब बच्चे को घर में वो फ्रेंडशिप, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो बाहर का एनवायरनमेंट उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। सेकंड बात ये आती है कि जब बच्ची ने कमिट किया, उसको ये नहीं पता था कि बेसिकली बाप सर का साया है, बाप ही उसका उसको हर धूप छांव से बचा सकते हैं, जिसके वो अभी तक निकाह में नहीं है, वो उसके दावे कर रही है, पता नहीं वो उसके निकाह में आती भी है कि नहीं आती, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि जी उसका मुझ पे हक है, अब मैं आपकी इज्जत नहीं हूँ, अब मैं उसकी इज्जत हूँ। आई मीन कैन यू इमेजिन कि ये ड्रामा जो है ये हमारे सराउंडिंग के, हमारे बच्चों की, क्योंकि LGS की जो स्टोरीज निकल रही है, या माँ बाप, हर दूसरा माँ बाप ये कहता है कि जी बच्चे हमें सुनते नहीं है। सुनने की रीजन ये है कि कभी बच्चों को हमने भी नहीं सुना। बच्चा जब शुरू में आके कोई बात बताना चाहता है, जो बात डिस्कस करना चाहता है, तो हम कह देते हैं अच्छा अभी बैठो, क्योंकि माँ कभी फोन पे बात कर रही होती है, कभी कोई टीवी ड्रामा चल रहा होता है, तो माँ बच्चे को जब रोक देती है कि अच्छा रुको मैं अभी बाद में सुनती हूँ, तो वो बात कभी में भी नहीं आती। ये गैप बहुत बड़ा गैप है, हमें इस गैप को आइडेंटिफाई करना है, और अपने सराउंडिंग में हम ये चीजें देखते हैं, बजाय दूसरे के बच्चों का तमाशा लगाने के, मजाक उड़ाने के, हमें ये समझना है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमें इन सबको एक लाइफस्टाइल, एक एनवायरनमेंट और एक कहते हैं ना सब कुछ प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम सबको एक होने की जरूरत है। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा कि हमें डिफरेंट फ्लैग्स की जरूरत नहीं है, इट्स द सेम पॉइंट कि हमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एनवायरनमेंट और उन सबको एक करना है, एक होके रहना है, और वो गैप आइडेंटिफाई करनी है जो हमारी सबकी फैमिलीज में एग्जिस्ट करते हैं। एक बच्ची जिसके बाप ने शुरू से उसके लिए मेहनत की, उस बच्चियों के लिए वो सब कुछ कर रहा है, और बच्ची उठ के कह दे कि जी मैं बाप की इज्जत नहीं हूँ, मैं उस फलान लड़के की इज्जत हूँ,
बच्चे उठ के कह दे कि अब आप पे मेरा हक नहीं है, मेरा मुझ पे हक किसी और का है, तो ये चीजें हमें बींग पाकिस्तानी सूट नहीं करती है, बींग इस्लामिक कंट्री हमें सूट नहीं करती है। तो हमें इस गैप को रोकना है। माओं को भी चाहिए अपने बच्चों की तरबियत इतनी स्ट्रांग करें कि बच्चा माँ बाप के आगे खड़ा होने से पहले सोचे कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे मेरी फैमिली एथिक्स, मेरी ग्रूमिंग मुझे यही सब कुछ सिखाती है। इस चीज को हम सबको लेके चलना है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। ये किसी एक घर की बात नहीं हो रही है, ये पूरी एक सोसाइटी की बात हो रही है। थैंक यू सो मच। एलिगेंस लर्निंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।